प्रैक्टिस मैच जरूर था, लेकिन भारत ने 6 विकेट से मुकाबला जीता। ईशानदार किशन ने आपका अच्छे बल्लेबाजी की, रिटायर हट करके उसको अंदर बुला लिया गया जरूर से, लेकिन कोई उनको हर्ट वर्ट नहीं लगी है, वो आपका एकदम ठीक है। 70 रन बनाए नाबाद 46 बॉल में, 6 चौका 3 छक्का लगाया, उसमें से एक लेग साइड में जो पुल लगाया देखने लायक शॉट था वो, एक ठोस सामने की तरफ लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की दिशा से लगाया, वो भी एक अच्छा शॉट था। आप सोच रहे होंगे कि केएल राहुल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, अब मैं उसके बात करता हूँ। केएल राहुल, मैं एक बात जरूर बोलता हूँ, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी, और ये प्लेयर बहुत खास है। और T20 में ना आपको फॉर्म का दरकार जरूर होता है, लेकिन ये प्लेयर तो फॉर्म में आ ही रहा था और इतने अच्छी बल्लेबाजी की ना, अच्छे इतने मतलब आपको सब कुछ, आप कितना अच्छा से प्रेशर हैंडल किया। जब ईशान किशन का खाली कितने 14 बॉल पहले 14 बॉल में सिर्फ 5 रन थे, और केएल राहुल ने क्या प्रेशर हटाया ईशानदार किशन से, तो केएल राहुल ने 51 रन बनाए, अच्छा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। फिर ऋषभ पंत के भी करने की बात, जो मतलब छक्का मार के ख़त्म किया मुकाबला। आपका विराट कोहली जरूरी 11 रन बनाकर आउट हो गए, जल्दी शॉट मारने का कोशिश किया, क्योंकि उसके पहले वाले ओवर में ही आदिल रशीद के ओवर में ईशान किशन ने 24 रन वो ओवर में ले लिया था, तो मारने का उस समय दरकार नहीं था, लेकिन गए कोई बात नहीं। फिर आपका ऋषभ पंत का मैं किया बात, सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी मौका तो ज़रूर मिला, लेकिन 9 बॉल में सिर्फ 8 ही रन बना पाए और मौका को गवाया। अब एक और सवाल है कि क्या सूर्य कुमार यादव की ईशान किशन किसको खिलाएगा भारत? अभी एक और प्रैक्टिस मैच है जो ऑस्ट्रेलिया के सामने है, 3rd 2021 में, और 20 तारीख को वो मुकाबला है, 3 बजे से होगा वो मुकाबला चालू। आज आपका प्रैक्टिस मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड का था, उसमें भी आपका ऑस्ट्रेलिया को मिली जीत, 3 विकेट से मिली जीत उसमें। और अब मैं करने जा रहा हूँ भारत की गेंदबाजी की बात, तो भारत ने गेंदबाजी में क्या हुआ कि भारत ने गेंदबाजी में पावर प्ले में विकेट जरूर चटकाई, रन 59 रन दिया भारत ने, और अच्छा गेंदबाजी तो किया। लेकिन भुवनेश्वर कुमार, अब ये बॉलर के ऊपर अब होने लगा है सवाल या निशान, क्योंकि आपके पास शार्दुल ठाकुर जैसे ऑलराउंडर टाइप बॉलर मतलब बॉलर के रूप में हैं बल्लेबाज, लेकिन आपका आप भुवनेश्वर का एक्सपीरियंस की शार्दुल ठाकुर का विकेट टेकिंग एबिलिटी, आप किसके साथ जाएंगे? आप अपना राय जरूर से कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए, ये भी एक अच्छा बात था, और ये प्रैक्टिस मुकाबला था। वापस राहुल चहर ने 4 ओवर में 43 रन जरूर दी, 1 विकेट लिया। दुबई का मैदान में आज मैच था, ये ICC का प्रैक्टिस ग्राउंड में मैच था, लेकिन नेक्स्ट मैच भी वहीं पर होगा। 24 तारीख को इंडिया बनाम पाकिस्तान का मुकाबला है, लेकिन आज मोहम्मद शमी थे, आज 3 विकेट ली मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी से, जरूर हल्का मार पड़ा, लेकिन आपका अच्छी गेंदबाजी करके जॉस बटलर का विकेट लिया और महत्वपूर्ण विकेट लिया, और जसप्रीत बुमराह ने अच्छा यॉर्कर्स को एक्सिक्यूट किया। अब ये देखने वाला, लेकिन आज क्या भारत
सेकंड बॉलिंग कर सकता था, क्योंकि ड्यू में अगर समझो कि अगर ड्यू में अगर आपकी गेंदबाजी आती है तो आप भारत कैसे गेंदबाजी करेगा, मतलब क्या भारत वहाँ पर ड्यू के साथ गेंदबाजी कर पाएगा। क्योंकि आप आज देखिए, आज जब ड्यू आया था तब इंग्लैंड के आखिरी ओवर में क्रिस जॉर्डन ने दो नो बॉल दी, उसमें से एक आपका जरूर ओवरस्टेप था, लेकिन एक तो आपका बॉल हाथ से छूट गई थी ड्यू के कारण और स्किट की आपका विकेट कीपर के सामने। तो ये इससे बचने का भी उपाय आपके हिसाब से क्या हो सकता है, ये भी आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइए। और आज इंग्लैंड ने 188 रन 5 विकेट के नुकसान में बनाया था। आज ईशान किशन को जैसे बोला, आज 152 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, अच्छा बल्लेबाजी की। केएल राहुल का जैसे मैं बोला, वो 213 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की आज। तो विराट कोहली का मैंने बात किया, और आप अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपका देखने के लिए पूरा वीडियो देखेंगे, मैं आशा किया हूँगा कि आपको अच्छा लगा हो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।